रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 13 से इस पॉपुलर बहू का कटा पत्ता हुआ शॉकिंग एलिमिनेशन। रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 को लेकर हर दिन कई अपडेट सामने आते ही रहते हैं। इन दिनों साउथ अफ्रीका में पूरे जोरों शोरों से इस शो की शूटिंग भी चल रही है। कंटेस्टेंट्स वीडियोस और फोटोज से स्टंट की झलक भी दिखा रहे हैं। रौनित रॉय, अंजुम फकई, ऐश्वर्या शर्मा, शिव ठाकरे, अर्जित तनेजा और अन्य सेलेब्स फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का पार्ट है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो ये शो में चौथा एलिमिनेशन भी हो चुका है और पॉपुलर बहू का सफर भी इस शो से खत्म भी हो गया। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी 13 के फैंस अपडेट्स देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो एपिसोड के साथ सभी का लुफ्त उठाना चाहते हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि रोहित शेट्टी के शो से चौथा एलिमिनेशन भी हो चुका है। बिग बॉस खबरी के मुताबिक अंजुम फकई को शो से एलिमिनेट होना पड़ गया। वो लास्ट तक अपने पास से फियर फंदा नहीं हटा पाई थी जिसके बाद उन्हें इस शो से अलविदा कहना पड़ा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अभी एलिमिनेटेड हुए कंटेस्टेंट साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे, वो वाइल्ड कार्ड के तौर पर वापसी भी कर सकते हैं। रौनित ने तो स्टंट करते वक्त वो घायल हो गए थे जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स ने आराम करने के लिए कहा था। एक ऑनलाइन एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक रौनित रॉय ने स्टंट करते हुए खुद को घायल कर लिया और कहा जा रहा है कि मेकर्स रौनित रॉय का इलाज करने के साथ साथ खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए केप टाउन में ही रखने की पूरी कोशिश भी उन्हें कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि चोट ऐसी है कि रौनित रॉय को ठीक होने में काफी टाइम लग सकता है और इसलिए ये भी संभावना है कि रौनित फ्यूचर में शो में पार्ट नहीं भी ले पाएंगे। अभी तक ना तो मेकर्स और ना ही रौनित रॉय ने अपने चोट के बारे में कुछ भी कहा है। वेल, आपका खतरों के खिलाड़ी 13 से अंजुम फकई के एलिमिनेट होने पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।